हेलो एवरीवन, मैं हूँ रागिनी। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल त्रिशा घर संसार में। गाइस, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ चना दाल वड़ा की रेसिपी। आप इसे मसाला वड़ा, मसाला टिक्की या चना दाल वड़ा भी कह सकते हैं। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बनती है और ये देखिए बाहर से ये कितना ज़्यादा क्रिस्पी है, आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं, और अंदर से उतना ही ये सॉफ्ट है। मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए ये अंदर से कितने ज़्यादा सॉफ्ट हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना। वीडियो मेरी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, और अगर आप चैनल पर नया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले जो चीज़ें हमें चाहिए वो है चना दाल। चने दाल को मैंने एक घंटे पहले आप इसे पानी में भिगा दीजिए। उसके बाद इसका पानी हम ड्रेन कर देंगे। इसका पानी निकाल के इसे मिक्सर के जार में हम पीस लेंगे बिना पानी डाले, बस ऐसे ही इसे पीस लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसे पीस लिया। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे एक बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ, दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई, साथ में हम यहाँ पे ऐड करेंगे ढेर सारा हरी धनिया की पत्ती, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा, एक छोटी चम्मच अजवाइन, साथ में हम इसमें यूज़ करेंगे हींग 1 से 2 पिंच, और हम यहाँ पर ऐड करेंगे नमक। फिर हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी। आप चाहे तो यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर या काली मिर्च पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चावल का आटा लगभग 2 चम्मच, और फिर इसे मिक्स कर लेंगे। चावल के आटे को ऐड करने से इसकी बाइंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और साथ में ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हमें इसमें मिक्स कर लेना है। यहाँ पर हमारा मिक्सर बन के रेडी है, इसे हम साइड में रख लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है एक छोटी सी कटोरी में तेल। तेल सबसे पहले हम अपने हाथों की हथेलियों पे लगा लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा मिक्सचर लेके ऐसे हमें इसे गोल बॉल की तरह एक बना लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे एक टिक्की का आकार दे दिया है, ऐसे हाथों से दबाते हुए इसे टिक्की का आकार दे देंगे। आप चाहे तो अपने मनपसंद कोई भी आकार में इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए चने दाल की एक टिक्की एक वड़ा बना के मैंने रेडी कर लिया है। इसी तरह से हम बाकी के वड़े भी बना लेंगे। तो मैं एक और बना के आपको दिखाती हूँ। इसे एक प्लेट में साइड में रख देती हूँ मैं। तो थोड़ा सा मिक्सचर हाथों में लेके ऐसे हम गोल करते हुए ऐसे इसका बड़ा बना के या टिक्की बना के रेडी कर लेंगे। इसी तरह से देखिए मैंने यहाँ पे सारे टिक्की बना के रेडी कर लिए हैं। इतने से मिक्सर में मतलब 200 ग्राम चने की दाल में हमारे 10 से 12 टिक्की बन के रेडी हो जाते हैं। थोड़ा सा हम इसमें तेल गरम करके रखा, थोड़ा सा इसमें आटा डाल के देखा मैंने मिक्सर, तेल हमारा अच्छा गर्म है। और जो वड़े हैं अब हम इसमें एक एक करके डाल देंगे। तेल में हमें इसे डीप फ्राई करके निकालना है। तो एक बार में जितने वड़े जितनी टिक्की आ जाए उतने आप इसमें डाल दीजिए। उसके बाद एक तरफ से जब ये अच्छे से पक जाए, अच्छे से फ्राई हो जाए, तो हम इसे टर्न कर देंगे। तो यहाँ पे एक तरफ से इसका कलर चेंज हो गया है, अब हम इसे टर्न कर देते हैं और दूसरी तरफ से भी अच्छे से इसे पका लेते हैं। तो इसी तरह से टर्न करते हुए इसे पलटते हुए अच्छे से दोनों तरफ से हमें ब्राउन कलर का होने तक इसे सेक लेना है। तो इसी तरह से पलटते हुए देखिए मैंने इसे पका लिया है, और इसका कलर हम थोड़ा सा और डार्क होने देंगे। तो देखिए इसे मैंने फिर से एक बार टर्न कर लिया है। इसी तरह से हमें बाकी के भी चने की दाल के वड़े या टिक्की को सेक के हमें फ्राई करके रेडी कर लेना है। तो इसे मैं तेल से निकाल देती हूँ। देखिए इसका कलर कितना ज़्यादा अच्छा आया है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी लग रहा है ये। तो यहाँ पे मैंने इन वड़ों को एक प्लेट में निकाल लिया है, हम इसे टिश्यू पर निकालेंगे, टिश्यू पेपर पर, ताकि इसके जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। दूसरी बार की टिक्की जो वड़े बचे हुए थे वो भी मैंने तेल में डाल दिया है। इसे भी हम फ्राई ऐसे ही करके निकाल लेंगे, पलटते हुए इसे अच्छे से फ्राई या पका लेंगे। तो देखिए यहाँ इसका कलर भी चेंज हो चुका है। चलिए इसे भी हम तेल से निकाल देते हैं टिश्यू पेपर पे। तो यहाँ पे मेरे सारे वड़े इसी तरह से मैंने बना के रेडी कर लिए हैं। इसे मैंने तेल से यहाँ पे निकाल दिया है। तो देखिए ये सारे वड़े मेरे बन के रेडी हैं, कितने अच्छे दिख रहे हैं, बहुत अच्छे दिख रहे हैं। अच्छे दिखने के साथ खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं बाहर से और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। आप इसे सॉस या चटनी के साथ खा के एंजॉय करिए, और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।